पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, उसके बाद हमारी बहन पढ़ेंगी। हालेलुया, हम सब तैयार हैं वचन सुनने के लिए, आशीष पाने के लिए। बोली यीशु मसीह की जय। आमीन। यूहन्ना 13:34-35, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी सेविकाई तकरीबन 30 साल में शुरू की थी। हालेलुया। और ये जब परमेश्वर ने एक नई आज्ञा दी है, जब यीशु मसीह ने नई आज्ञा दी है, तो तकरीबन 3 साल उनकी सेविकाई के हो चुके थे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने 3 साल के बाद ये आज्ञा दी अपने चेलों को कि एक दूसरे से प्रेम रखो। क्यों? क्योंकि चेलों के अंदर वो प्रेम नहीं था। इससे पहले क्या हुआ था कि यहूदा इस्करियोती ने धोखा दिया, शैतान उसके अंदर समा गया। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? क्योंकि आपका प्रेम, जब आप प्रेम एक दूसरे से करते हैं तो प्रेम से, प्रेम की वजह से, प्रेम के लिए आप एक दूसरे को पहचानते हैं कि इसके अंदर क्या है। हालेलुया। चेले नहीं पहचान पाए कि यहूदा इस्करियोती क्यों अलग हो रहा है, यहूदा इस्करियोती क्यों पाप में पड़ रहा है, शैतान उसके अंदर समा गया है। हालेलुया। चेले नहीं समझ पाए। हालेलुया। इसलिए वो कहता है एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। कैसा प्रेम किया यीशु मसीह ने? कि अपने आप को हमारे हवाले कर दिया हमारे लिए। हालेलुया। ताकि हम आशीष पाएं, और उसने बलिदान दिया ताकि हम मुक्त हो जाएं पापों से, श्रापों से। हालेलुया। यूहन्ना 15:13 कहता है कि प्रेम क्या है? कि मित्र, आप अपने मित्र के लिए प्राण दें, ये प्रेम है। यीशु मसीह ने आपको मित्र बनाया है, परमेश्वर आपको अपना पुत्र कहता है। क्यों कहता है? ताकि वो कह रहा है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान तुम्हारे लिए दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये जो आज्ञा दी है यीशु मसीह ने कि एक दूसरे से प्रेम करो, और सिर्फ आज्ञा नहीं दी है, क्योंकि ये जो प्यार है ये हमें एक दूसरे के समीप लाता है। एक दूसरे से प्यार करने से हम एक दूसरे को समझते हैं। हालेलुया। अगर आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए कलीसिया में हम सब लोग आते हैं, संडे के संडे आते हैं चले जाते हैं, हम एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं, हम एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं। कोई भाई बहन अगर कलीसिया में नहीं आता है तो हम ये सोचते नहीं है कि वो क्यों नहीं आया, क्योंकि वो प्रेम जो यीशु मसीह ने हमें दिया है वो हमारे अंदर नहीं है। इसलिए हमारे अंदर बोझ पैदा नहीं होता है। हमें आपस में एक परिवार बनकर रहना है, तभी हम उस शरीर के अंग बनकर रहेंगे और आशीष पाएंगे। हालेलुया। इसलिए वो कहता है एक दूसरे से प्रेम करो। शैतान यहूदा इस्करियोती को ले गया। यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। यीशु मसीह ने मन में चाहा कि वो पश्चाताप करे, उसे मौका दिया, लेकिन शैतान उसके अंदर समाया हुआ था। हालेलुया। चेले एक साथ रहते थे, चेले को नहीं पता लगा कि यहूदा इस्करियोती में शैतान आ गया है। आज हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के करीब रहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे पड़ोस के मन में क्या है, हमारी बहन के मन में क्या है, हमारे भाई के मन में क्या है। हालेलुया। हमें जानना है, यही तो प्रेम, हमें बांटना है। और ये सिर्फ यीशु मसीह ने आज्ञा ही नहीं दी है। 17:26 अगर हम देखेंगे, यूहन्ना 17:26, वहां यीशु मसीह प्रेम के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है। हाँ, 26 कि मैंने तेरा नाम उनको बताया है और बताता रहूंगा, जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे। हालेलुया। वचन बताता है यहां पर यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि जो प्रेम तेरा मुझ में था वो मेरे चुने हुओं में रहे, तभी वो बच सकते हैं। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है मेरी बहन, तो आप कभी भी आजमाइश में आ जाएंगे। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है मेरे भाई, तो आप के अंदर प्रभु का चरित्र नहीं है, करैक्टर नहीं है।
अगर प्रभु क्या देने आया है, प्रभु क्या बताने आया है, यीशु मसीह क्यों धरती पर आया कि उस पिता से प्रेम करो, उस पिता को जानो जिसने जिसने तुमको बनाया है अपनी समानता अपने स्वरूप में, ताकि तुम आशीष पाओ, ताकि तुम जीवन पाओ और वो भी अनंत काल का जीवन पाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि अगर तू प्रेम नहीं रखेगा एक दूसरे से तो तू प्रभु को नहीं जान पाएगा। इसलिए वो प्रार्थना करता है कि मैंने तेरा नाम इनको बताया है। यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया सबके सामने और बताता रहूंगा, और जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे, वो वाला प्रेम जो संसार का नहीं है, वो प्रेम जिसमें लालच नहीं है, वो प्रेम जिसमें स्वार्थ नहीं है, मोह नहीं है, वो प्रेम जिसमें त्याग है, जिसमें सेक्रीफाइस है, वो प्रेम यीशु मसीह ने किया। इसलिए यीशु मसीह धरती पर सेवा करवाने नहीं, सेवा करने के लिए आया। हालेलुया। और वही उसने बताया अपने चेलों को कि तुम्हें सेवा करनी है, अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो तुम छोटा बनो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तभी तुम्हें आशीष मिलेगी, तभी तुम्हें सुख मिलेगा, तभी तुम्हें जीवन मिलेगा, तभी तुम उस सामर्थ्य को, पिता की योजना को जान पाओगे। इसलिए वो कहता है मेरी आज्ञा है कि तुम्हें एक दूसरे से प्रेम करना है, क्योंकि यहूदा को तो शैतान ले गया, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम में से कोई और भी शैतान के चंगुल में आ जाए, शैतान के षड्यंत्रों में आ जाए। प्यार क्या है? मैं अगर आपसे प्यार करता हूं तो आपकी कमजोरी में आपके साथ रहूंगा। हम सब कमजोर हैं, हम सब कमजोर हैं, और जब कमजोरी हमारे अंदर होती है, जब ऐसी स्थिति आती है जब हम महसूस करते हैं कि हम कमजोर हैं, तो एक सच्चे दोस्त की तलाश होती है। कोई सच्चा दोस्त, कोई सच्चा हमदर्द हो जो मुझे समझे, हालेलुया, जो मुझे जाने, जो मेरी कमजोरी का फायदा ना उठाए। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो कहता है प्रेम रखो, अगर हम प्रेम करेंगे एक दूसरे से तो हम उसकी कमजोरी में उसके साथ रहेंगे, ताकि उसकी कमजोरी ताकत बन जाए, हमारा प्रेम उसकी कमजोरी का ताकत बन जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रेम करें और जाने। इसलिए देखिए वो कहता है भजन संहिता 91:14, भजन संहिता 91:14 में क्या कहता है, उसने जो मुझसे प्रेम किया। आमीन। परमेश्वर के लिए प्रेम कितना जरूरी है। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आमीन। बस हालेलुया। कब छुड़ाऊंगा? जिस दिन परमेश्वर जान जाता है कि जिसको मैंने चुना है उसके मन में मेरे लिए प्रेम है। इसलिए वो कह रहा है कि उसने जो मुझसे प्रेम किया, जिस दिन वो जाना कि मेरा बच्चा मुझसे प्रेम करता है, मेरा बच्चा मेरे लिए तड़पता है, मेरा बच्चा मुझसे मिलने के लिए तड़पता है, मुझे खोजता है, उस दिन वो कहता है मैं जो परमेश्वर हूं, मैं जो सर्वशक्तिमान हूं, मैं वादा करता हूं कि मैं उसे छुड़ाऊंगा। सिर्फ आपका प्यार आपको बंधनों से आजाद कर सकता है, आपका प्यार आपको रास्ता दिखा सकता है। वो कहता है मैं उसे छुड़ाऊंगा। किससे छुड़ाऊंगा? गरीबी से, दरिद्रता से, कर्जों से, श्रापों से, पापों से, वो बंधनों से आजाद करता है आपको। सिर्फ वो आप में और हम में अपने लिए प्रेम देखना चाहता है। उसका वादा अद्भुत है, उसका प्यार अद्भुत है मेरे भाई, हमें उसको प्यार को समझना है। हालेलुया। यशाया 46:4, इस वचन को जब आप देखेंगे ना, मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि तू प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है,
इतना प्यार करता जो। यशाया 46 का 4 पढ़िए बेटा, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। आमीन। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं ऐसा ही बना रहूंगा, यानी कि मेरा प्यार तुम्हारे बुढ़ापे में भी मेरा ऐसा ही रहेगा। हालेलुया। और मैं तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने तुम्हें बनाया है इसलिए मैं तुम्हें लिए फिरता रहूंगा अपनी गोदी में। हेलो, लिए फिरता रहूंगा। जैसे एक मां अपने बच्चे को लिए फिरती है, वो आपको लिए फिरेगा, ऐसा प्रेम करता है प्रभु। इसलिए वो कहता है जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसा प्रेम करो, वैसा प्रेम करो। तेरे बुढ़ापे तक मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे बाल पकने तक मैं तेरे साथ रहूंगा। वो आपको चिन्ह दे रहा है, चिन्ह। इंसान बुढ़ापे में कमजोर हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है। हालेलुया। हमने देखी है स्थितियां, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं बच्चे छोड़ जाते हैं, वृद्धाश्रम में लेके चले जाते हैं, 4 बच्चे हैं, एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। प्रेज द लॉर्ड। माँ बाप कहते हैं हमारी सिक्योरिटी क्या है, क्या है, हमारे पास बैंक बैलेंस भी नहीं है, मकान भी नहीं है, बच्चों को दे दिया। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें माँ बाप रो रहे थे कि हमारा एक ही बेटा है और हमें परेशान कर रहा है, हमारे मकान से हमें निकालना चाहता है। मेरी आंखों में हंसू आ गए। वो पिता रो के कह रहा था व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, कि मेरा बेटा मुझे निकाल रहा है घर से। आज 70 साल का मैं हो गया हूँ, 67 की मेरी वाइफ है, मुझे निकाल रहा है घर से। लेकिन जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो क्या कहता है वो, आपकी माँ आपको छोड़ सकती है, आपका बेटा आपको छोड़ सकता है, लेकिन आपका पिता, आपका प्रभु, आपका यीशु आपके बुढ़ापे तक आपका साथ देगा। हमारी सुरक्षा कौन है? हमारा पिता। हमारी ढाल कौन है? हमारा पिता। हमारा रक्षक कौन है? हमारा पिता। वो इतना प्रेम करता है कि हमारे बुढ़ापे तक वो वादा करता है कि जब तेरे बाल सफेद हो जाएंगे, जब तू बूढ़ा हो जाएगा, जब तू आपका चलने में मजबूर होगा, तेरा कोई हाथ नहीं थामेगा, तुझे कोई अपने पास नहीं बिठाएगा। हालेलुया। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे और साथ नहीं रहूंगा। उसको पढ़िए, मैं तुम्हें उठा के लिए फिरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझे लिए फिरूंगा मेरी बच्ची। वो कहता है मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं। इसलिए 13:35 क्या कहता है, दोबारा पढ़िए यूहन्ना 13:35। हालेलुया। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे, नहीं जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, वो कहता है 13:34। जैसा वो कहता है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। पढ़िए बेटा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। आमीन। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा यीशु ने, जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है। प्रेम में बहुत शक्ति है मेरे भाई। जब तक उसका प्रेम हम में नहीं रहेगा, हम उसको नहीं समझ पाएंगे। 1 यूहन्ना 4:15, जब तक उसका प्रेम हम में नहीं रहेगा। हालेलुया। उस प्रेम को पहचानना, उस प्रेम को जानना, उस प्रेम के लिए जीना, उस प्रेम में रहना हमें हर कठिनाई से दूर करता है। पढ़िए बेटा 1 यूहन्ना 4:15। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। आमीन। ये सच्चाई हम लोग जान गए,
कि यीशु मसीह कौन है? मुझसे बात करिए, यीशु मसीह कौन है? हेलो, बहुत धीमे बोल रहे हैं आप लोग, क्या है? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है कि जब आप विश्वास करते हैं, जान लेते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर आप में बना रहता है। आमेन, हालेलुया। लेकिन आप इस वचन को अगर देखेंगे ध्यान से, तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह हम में बना रहता है, लेकिन वो कब तक बना रहेगा? जब तक हमारे अंदर प्रेम रहेगा। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, तो परमेश्वर हम में नहीं बना रहेगा, क्योंकि वह प्रेम है। इसका अगला देखिए, 16, क्योंकि वह प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हाँ, उसको हम जान गए। Amen? और हमें उसका विश्वास है। हेलो, कितने लोग जान गए? कितने को लगता है कि यस, मैं परमेश्वर के प्रेम को जान गया? प्रेज द लॉर्ड। आगे, परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रेम में बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। अब कई बार लोग इसको गलत समझते हैं। लोग समझते हैं कि हमें परमेश्वर के प्रेम में बना रहना, हम सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करें, हम सिर्फ परमेश्वर को ढूंढें, हम सिर्फ परमेश्वर की बाट जोएं। हालेलुया। नहीं, वो तो है, हमें परमेश्वर को ढूंढना है, उसकी बाट जोनी है, उससे प्रेम करना है सबसे पहले। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो प्रेम जो मैंने तुझे दिया है, तुझे सबसे करना है, यहां तक कि अपने दुश्मन से भी प्यार करना है। हालेलुया। अपने दुश्मन से भी प्यार करना है। इसलिए प्रेम जो परमेश्वर है वो हम में है, और वो प्रेम हम में तब तक बना रहेगा जब तक हमारा प्रेम प्रवाह होगा, हमारा प्रेम दिखेगा, हमारा प्रेम लोगों के लिए होगा। यीशु का प्रेम परमेश्वर के लिए, पिता के लिए कभी खत्म नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं हुआ। और प्रेम, इसका 10वां पढ़िए आप। प्रेम इससे इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, समझिए प्रेम क्या है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आमेन, हालेलुया। प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? गुनाह तो मैंने किया, सजा उसने, उसके पुत्र ने ली। गुनाह तो मैंने किया, पाप तो मैंने किया, और सजा किसने ली? परमेश्वर ने अपने बेटे को दी। क्यों? ताकि उसकी सजा लेने से, ताकि उस हमारे पापों को उसको लेने से हम पवित्र हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि उसने हमारे लिए पश्चाताप किया, उसने कहा पिता इन्हें माफ कर, क्रूस पर वो गया कि हम शुद्ध हो जाएं, माफ कर इन्हें। प्रेज द लॉर्ड, हमारे लिए उसने माफी मांगी। और इससे भी बढ़कर प्रेम देखिए आप, 18:14, 18:4, यूहन्ना 18:4, जैसे ही गसमनी में वो प्रार्थना कर रहा था, उसे पता था कि लोग उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, वो परमेश्वर के सामने बोल चुका था, ये प्याला मेरे सामने से हटा, लेकिन फिर भी अगर तेरी इच्छा नहीं है तो मत हटा। अब देखिए यीशु मसीह का प्रेम परमेश्वर के लिए, लोग आ रहे हैं भाला लेकर, मशाले लेकर, सैनिक तलवारें लेकर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। और देखिए यहां पर क्या कहता है, 4, तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किससे ढूंढते हो? आमेन, हेलो। उसको पता है कि मुझ पर क्या बीतने वाला है। उसको पता है कि जो महायाजक की सेना आ रही है, महायाजक की, वो मुझे लेके जाएगी और क्रूसीफाइड करेगी।
लेकिन पिता की इच्छा इसी में है, इसलिए जो उनको ढूंढ रहे थे ये जानने के बाद भी कि क्या होने वाला है, वो खुद आगे आया। हालेलुया। किसे ढूंढते हो? छुपा नहीं वो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आप इस प्यार को समझ रहे हैं? पिता के लिए प्यार उसका, हमारे लिए प्यार उसका। सामने सैनिक हैं, उसे पता है ये मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, वो खुद सामने आए हैं। किसे ढूंढ रहे मुझे? आमीन। हालेलुया। ये प्रेम है, ये प्रेम है, ये प्रेम है। हमें पता लगता है कि साहब हमारे दोस्त को पैसे की जरूरत है, हम अपना फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। बात करते करते उसने कहा कि पास्टर कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। हाँ हाँ ठीक है पास्टर, मैं यहाँ पर हूँ, थोड़ा मुझे चाहिए। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, क्या कह रहे हो? आवाज़ ही नहीं आ रही। जहाँ उसने पैसा मांगना शुरू किया, जहाँ उसकी कोई प्रॉब्लम आई, आपको आवाज़ नहीं आती। नहीं मेरी बहन, नहीं, हम यीशु के बच्चे हैं, हम मसीहा हैं, हमें हर पल किसी के लिए तैयार रहना है। हाँ, हो सकता है कभी कभी चर्चिस में कोई यूज करने वाले भी होते हैं, उनसे सतर्क रहिए, लेकिन सेवा में पीछे मत हटिए, क्योंकि जब आप सेवा करेंगे तभी आपका प्यार दिखाई देगा। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने बच्चे का प्यार उसकी सेवा में देखूं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था जब मैं अंतिम समय में आऊंगा, उसने कहा मैं अपने दाहिने वालों को कि तुम, मैं जब प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं जब भूखा था तुमने मुझे रोटी खिलाई। हालेलुया। मैं जब जेल में था तुम मुझसे मिलने आए, अस्पताल में था तुम मुझसे मिलने के लिए आए। हालेलुया। क्या देख रहा था वो? प्यार। एक अंधे भिखारी को आपने रोटी खिलाई, वो मैं था। प्रेज द लॉर्ड। एक पड़ोसी जो बीमार था उसको देखने के लिए गए, उसमें मैं था। वो क्या देख रहा है? प्रेम। आपने प्रेम कैसे किया? आप अपने मसीह से, आप अपने भाई से कैसे मिल रहे हैं? आप अपनी बहनों से कैसे मिल रहे हैं? जो कोई आपसे मांग रहा है, आप किस मन से दे रहे हैं? वो आपका मन देख रहा है, वो आपका मन देखता है। चलो आपके घर कोई आ गया और आपसे उसने पैसा मांगा, और आपके पास पैसा है, आप दे रहे हैं, लेकिन कैसे दे रहे हैं? आपका मन क्या है? कहीं आपके मन में, अरे यार अभी दे रहा हूं, कब देगा ये, क्या कैसे देगा, कैसा है आपका मन? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मन को देखता है, मन को देखता है। 18:10-11 पढ़िए। जब पत्रस से कहा, तब यीशु ने पत्रस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। एक मिनट, सैनिक आए हुए थे उसको यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, और तलवार, और पत्रस ने तलवार निकाल ली, और तलवार से उसने एक सैनिक का कान काटा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उस कान को लगा दिया। क्या बोला यीशु? तब यीशु ने पत्रस से कहा, हाँ? अपनी तलवार म्यान में रख। हाँ, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा मुझे परमेश्वर ने दिया है, जो योजना मेरे लिए है, क्या मैं उसको ना पीऊं? आमीन। क्या मैं उसको ना पीऊं? अय्यूब का 2:8-10, क्या मैं उसको ना पीऊं? देख रहे हैं आप प्यार परमेश्वर के लिए? वो पत्रस बचाना चाहता है, लेकिन वो कहता नहीं, मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। आज परमेश्वर ने हमें चुना किसके लिए है मेरी बहन, मेरे भाई? कि हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो।
कठिनाइयां आएंगी, दुख आएंगे, अगर आप मसीह जीवन जी रहे हैं आपके अंदर जीवन में दुख आएंगे, लेकिन उसकी इच्छा यही है कि आप एक दूसरे से प्रेम करें और वो प्रेम दिखे। देखिए अय्यूब क्या कहता है, अय्यूब जो कि इतना धनवान था, इतना आशीषित था, लेकिन शैतान ने उसको आजमाइश में ले लिया। हालेलुया, उसके बच्चे मर गए, उसका घर खत्म हो गया, उसके जानवर मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, यहां तक कि अय्यूब को फोड़े आ गए। प्रेज द लॉर्ड, फोड़े आ गए उसको, उसकी बीवी क्या कहती है देखिए, पढ़िए 2:8-10। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? आई एम सॉरी, लेकिन औरत को पति का पैसा लाना अच्छा लगता है। यीशु पैसे दे रहा है जब तक तो अच्छा है, यीशु ने पैसा देना बंद किया, घर की स्त्री खराब नाराज। हालेलुया, जब तक आशीष दे रहा था तब तो कुछ नहीं था। क्या कहता है अय्यूब 10वां, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। ए बेवकूफ स्त्री, तू कैसी बातें करती है? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? Amen. क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं अगर दुख का समय आया है तो ना ले? Praise the Lord. Hello? क्या आपके यहां दिख नहीं रहा परमेश्वर का प्रेम, अय्यूब का प्रेम प्रभु के लिए? वो उस दुख में भी, उस संकट में भी परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा है, परमेश्वर को दोष नहीं दे रहा है। हालेलुया, वो कह रहा है कि अगर मैं सुख ले सकता हूं तो मैं दुख क्यों ना लूं? ये कौन कर सकता है जिससे परमेश्वर को प्रेम होगा, जो परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देता है, जो परमेश्वर को जान चुका है? क्योंकि आपका प्रेम ही आपको परमेश्वर को समझने की बुद्धि देगा। अगर आपका प्रेम परमेश्वर के लिए नहीं है, आप उसको नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकते। इसलिए आप जब आपस में प्रेम करते हैं, परमेश्वर का आशीष पाते हैं, तो बाइबल कहती है हम एक दूसरे के साथ रहें, संगति में रहें और उस प्रेम के साथ रहें। हालेलुया, 1 कुरिन्थियों 13 प्रेम क्या है, 4:7, 1 कुरिन्थियों 13:4-7। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। हालेलुया, प्रेम डाह नहीं करता। एक मिनट, धीरजवंत है और कौन है? कृपालु है। प्रेम आपके मन में दया लेकर आता है, तरस लेकर आता है। हालेलुया, जब यूहन्ना बपतिस्मा वाले को उसका गला काट दिया था और यीशु मसीह को उसके चेलों ने बताया, यीशु मसीह वीरान जगह में चले गए, बाइबल बताती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने हजारों की भीड़ देखी यीशु मसीह के पीछे, वो यीशु मसीह को ताक रहे थे, उनके मन में क्या आया? तरस आया। प्रेज़ द लॉर्ड, तरस आया, ये बच्चे, ये भाई, ये बेटे, ये फसलें हैं, इनको मेरी जरूरत है। तरस आया। क्या हमें कभी तरस आता है किसी गरीब को देखकर, किसी निर्धन को देखकर, किसी जरूरतमंद को देखकर? क्या हमारे जीवन में हमें कभी तरस आता है? हालेलुया, कभी भी तरस आता है? मत समझिए अपने आप को बड़ा। इसलिए यीशु कहता है कि जो छोटा बनेगा उसे बड़ा किया जाएगा।
प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके मन में करुणा नहीं है, दया नहीं है, तो आप उस दया को पहचानते नहीं जो आपको मिली है। अगर आपने उस दया को जो आपको परमेश्वर से मिली है, अगर आपको उसका एहसास है, तो आपके अंदर दया होगी। अगर आपके अंदर किसी को देखकर तरस आता है, इसका मतलब आप परमेश्वर के तरस को पहचान गए हैं, उसकी दया को जान गए हैं कि जो दया परमेश्वर ने आपके लिए की थी, आपको एहसास है। लेकिन अगर किसी मजबूर को देखकर आपके अंदर एहसास नहीं होता है, आपके अंदर दया नहीं आती है, आपके दिल में तरस नहीं आता है, आपकी जेब में पैसा है लेकिन फिर भी आप मदद नहीं करते हैं, तो आपने परमेश्वर की तरस को जाना ही नहीं है और ना ही आपने पाया है परमेश्वर की तरस को, नहीं पाया आपने, क्योंकि उसका तरस, उसकी कृपा ही आपके अंदर कृपा का बीज डालती है। और ये कब होता है मेरी बहन? जब आप एहसास करते हैं, जब पूरी तरीके से गहराई से पश्चाताप करके प्रभु के करीब आते हैं। गहराई से पश्चाताप का मतलब क्या है? जब आप पूरी ईमानदारी के संग स्वीकार करते हैं, यस मैं पापी हूं, मैं पापी हूं और मुझे यीशु की जरूरत है। अपने पापों से आप अपने पापों पर पर्दा नहीं डालते, यस मैं पापी हूं, आप अंगीकार करते हैं, तब आप उस एहसास को, उस दया को, उस कृपा को जो परमेश्वर की ओर से है वो आपको मिलती है, उसको आप समझ सकते हैं। तो क्या बोला चार, क्या कहता है चार, 13:4? प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम डाह नहीं करता, यानी कि ईर्ष्या नहीं करता। अगर कोई बहन, कोई पड़ोसी, कोई मसीह, आपकी कलीसिया में कोई बहन नहीं आई है और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया है, उसको घर मिल गया, उसकी नौकरी मिल गई, उसकी तरक्की हो रही है, वो यहाँ पर आकर चश्मनी दे रही है और आपके अंदर ईर्ष्या आ रही है, तो प्रभु आपके अंदर नहीं है। हालेलुया, होता यही है कि अरे हम तो 5 साल से आ रहे हैं, ये तो अभी आई 2 महीने पहले, इसको आशीष मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु है, उसकी इच्छा। वो किसी को कम कैसे देता है? उसकी इच्छा है। कब देता है? उसकी इच्छा है। हालेलुया, आज आपको 25 साल में, 20 साल में प्रभु ने सुना, मुझे 40 साल में परमेश्वर ने सुना। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आज भी रोता हूं कि प्रभु मुझे पहले क्यों नहीं चुना तूने, मैं बॉलीवुड में जाता ही नहीं, मैं तेरी सेवा करता। लेकिन हो कि परमेश्वर की योजना है। हालेलुया, तो अगर आपके अंदर डाह है, अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, तो परमेश्वर आपके अंदर नहीं है। हालेलुया, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या है प्रभु का सिद्धांत? दीनता। प्रभु क्या चाहता है? दीनता, हमारे अंदर दीनता बनी रहे, नम्रता बनी रहे, तभी हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम रहेगा। आप क्या हैं? कुछ नहीं है। हालेलुया, आज भी मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूं, मैं कहता हूं परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं था, धन्यवाद कि तूने गाड़ी दी और हम गाड़ी में जा रहे हैं। यस, सच है। मैं कल अपने बेटे से कह रहा था, बेटा हम इस योग्य नहीं कि तुझे पढ़ा सके बेटा, लेकिन परमेश्वर की कृपा है, ये परमेश्वर है जो तुझे पढ़ा रहा है, मैं इस योग्य नहीं हूं, उससे मांग बेटा, वो तेरा पिता है। हालेलुया, हम कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ भी लेने की शक्ति नहीं है, इसलिए बाइबल कहती है 9:23-24 कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, शक्तिमान अपनी शक्ति पर घमंड ना करे, पैसे वाला अपने पैसे पर घमंड ना करे और वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे। अगर आपको घमंड करना है तो आप इस बात पर घमंड करिए कि आप परमेश्वर को जानते और समझते हैं। हालेलुया, 9 परंतु घमंड करना, हाँ हालेलुया,
आप उसे जानते और समझते हैं। अगर आप उसे जानते हैं और आप उसे समझते हैं, ये सबसे बड़ा खजाना है। इससे बड़ा खजाना और कोई नहीं है। आप बहुत दौलतमंद हैं अगर आप प्रभु को समझते हैं, अगर आप प्रभु के मन को समझते हैं। आप बहुत धनी हैं और वो धन कभी खत्म नहीं होगा, कोई चोर नहीं कर सकता उसको, अगर आप उसे समझते हैं। अगर आप उसे समझते हैं, आपके मन में पाप आएगा ही नहीं, चोरी की भावना आएगी ही नहीं, झूठ बोलने की भावना आएगी ही नहीं। इसलिए वो कहता है कि प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है, गलत रीति से काम नहीं करता है वो, चाहे बिजनेस हो, चाहे उसकी सर्विस हो, कहीं भी हो। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आप गलत काम नहीं करेंगे, गलत रीति से काम नहीं करेंगे आप, अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। और अगर आप गलत काम करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है। इसका सातवां पढ़ो, सातवां पहला करते हैं, तेरह का साथ। हाँ, क्या? वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम किस में है कि आप दूसरे की सहन कर लें। हालेलुया। प्रेम किस में है? क्षमा करने में। सहना क्या है? क्षमा करना। हालेलुया। हम आज एक दूसरे की नहीं सहते, हम आज एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर ईगो होता है कि उसने ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया। छोटी छोटी बात हमें बुरी लग जाती है, ये प्रेम नहीं है। हालेलुया। चाहे हम चर्च में रहे, चाहे चर्च के बाहर रहे, हमारा प्रेम दिखना चाहिए, यीशु दिखना चाहिए। आगे क्या है? सब बातों की आशा रखता है। सब बातों की आशा रखता है, जो जो बातें उसके जीवन में हैं। देखिए, प्रेम आपके मन से आशा को नहीं मिटाता। अगर आपके अंदर प्रेम है परमेश्वर का, तो उस जो उसने आशा दी है वो बनी रहेगी। आपका प्रेम जो है, परमेश्वर का प्रेम जो है, वो आपके अंदर शक्ति देगा ताकि आप उस आशा के संग बने रहें, उस आशा में जीवित रहें कि परमेश्वर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे इशाया 46:4 में कहा कि मैं उसे उठा के रखूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की आशा है, ये आशा दी है परमेश्वर ने, प्रॉमिस दिया है कि वो आपको उठा के रखेगा। हालेलुया। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। तो प्रेम जो है वो हमारे अंदर आशा को दृढ़ करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका पति से प्रेम है, पति आपसे प्यार करता है, आप पति से प्यार करती हैं, आपके अंदर आशा है कि वो गया है और शाम को लेकर आएगा। हालेलुया। ये आशा कैसे उत्पन्न हुई? क्या आपके अंदर प्रेम है? अगर पति के लिए आपके अंदर प्रेम नहीं होगा तो आपके अंदर आशा कैसे आएगी? हालेलुया। इसलिए आपके अंदर जिस आशा ने जन्म लिया है उसका आधार क्या है? प्रेम। अगर आपका प्रेम सच्चा नहीं है, अगर आपका प्रेम दृढ़ नहीं है, तो आप उस आशा को खो देंगे, वो आशा निराशा में बदल जाएगी। हालेलुया। सब बातों में धीरज धरता है, सब बातों में, कोई भी बात उसके जीवन में हो, धीरज के साथ, धीरता के साथ परमेश्वर के आशीष को पाता है। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे भाई कि हम उस धीरता के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं। रोज फिलिपियो 1:9 क्या कहता है, देखिए पढ़िए जरा। फिलिपियो 1:9। हालेलुया।
मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। आमीन। पौलुस प्रार्थना करता है कि तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर का प्रेम है वो ज्ञान के साथ बढ़े। हम उस प्रेम को आज हमारे जीवन में काम किया, हमने चंगाई देखी कि यीशु मसीह के नाम से अंधे ठीक हो गए, भले सुनने लगे, हमारा प्रेम बढ़ा। लेकिन फिर कहीं हमारे जीवन में कुछ कठिनाई आई, कुछ प्रॉब्लम्स आई, नौकरी छूट गई, हमारा प्रेम खत्म हो गया, कम हो गया। लेकिन वो प्रार्थना करता है पौलुस के, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका प्रेम, दोबारा पढ़ो बेटा, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। आपका प्रेम बढ़े लेकिन उसमें ज्ञान हो, उसमें समझ हो, चर्च आने की समझ हो। जरा सी बारिश हुई, रुक गए, कैसा प्रेम है। लेकिन अगर जो रुके हैं उनके अंदर ज्ञान होता कि नहीं, चर्च परमेश्वर की आज्ञा और वचन है, इतनी सी बारिश में जहां जहां आप लोग काम करते हैं, अगर बॉस कहेगा नहीं आपको आना ही है, नहीं तो आपके दिन की पगार कट जाएगी, आप कैसे भी जाएंगे, पैरों के बल कर रही उल्टी उसमें जाएंगे, बॉस ने बुलाया यार, हालेलुया। यहां पिता कह रहा है क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है, आपको वैल्यू नहीं पता वचन की। वचन क्या है? आपको वैल्यू नहीं पता। जिस दिन आपको वैल्यू पता लग जाएगी, सबसे पहले प्रभु, उसका वचन, चर्च, कलीसिया, बाकी सारी चीजें, सब बाद में उनकी कोई अहमियत नहीं है। इसलिए वो कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वो जानता है पौलुस, कई बीज ऐसे होते हैं जो इमीडिएट ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जैसे धूप आती है, संसार की चेतावनियां आती हैं, आजमाइशें आती हैं, सब भूल जाते हैं, चला जाता है, प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। यीशु ने हमसे प्रेम किया, उत्पत्ति से पहले उसने हमसे प्रेम किया, और 2018 साल पहले वो आकर मरा, उसने हमें शुद्ध किया, पवित्र किया। उसका प्रेम अब तक वैसा ही है, वो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। उसके प्रेम में कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई मिलावट नहीं है। हमारे प्रेम में प्रॉब्लम है, इसलिए उसने आज्ञा दी है चेलों से कि मैं एक नई आज्ञा देता हूं। उसने उपदेश नहीं दिया, उसने सलाह नहीं दी। सेविकाई के 3 साल के बाद उसने उपदेश नहीं दिया, सलाह नहीं दी, उसने आज्ञा दी, प्रेम करो एक दूसरे से, क्योंकि प्रेम खत्म हो रहा है, प्रेम खत्म हो रहा है मेरी बहन। 2 तीमोथियस 3:1-5, अंतिम समय में प्रेम खत्म हो जाएगा। 2 तीमोथियस 3:1-5, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये जान रख कि अंतिम समय में कठिन समय आएंगे, ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की बैरी, आगे, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। आमीन। आगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। आमीन। एक बात सुनिए, पहला दिखाइए, पहला दूसरा दिखाइए, इसी का पहला पढ़िए दोबारा। पर यह स्मरण रखिए, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक और माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ। एक मिनट, हालेलुया, क्या लिखा है? कि मनुष्य स्वार्थी, लोभी,
माँ बाप की आज्ञा ना मानने वाले, अभिमानी, पिता परमेश्वर को ना पूजने वाले, ये होंगे। ये तो मूसा के समय से भी थे, मूसा के समय भी ऐसे लोग थे जो स्वार्थी थे, जो अभिमानी थे, जो निंदक थे, जो माँ बाप की सेवा नहीं करते थे। हेलो, थे ना कि नहीं थे? हेलो, तो अभी क्यों लिखा हुआ है? अंतिम समय में, उस समय मूसा के समय में साधारण लोग ऐसा करते थे, लेकिन अब मसीह लोग ऐसा करेंगे। अंतिम समय में जो दावा करेगा कि मैं मसीह हूं, वो ऐसा कर सकता है। इसका पांचवा पढ़िए, पांचवा। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। हाँ, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। हालेलुया, चर्च आएंगे, वचन की शक्ति को नहीं जानेंगे। बाइबल पढ़ेंगे, उसकी शक्ति को नहीं जानेंगे। भक्ति का भेष धरेंगे, बाइबल भी होगी, उपवास भी रखेंगे, दान दशांश भी देंगे। हालेलुया, 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 यस यस यस, प्रभु दया कर, दया कर। हालेलुया, भक्ति का भेष धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं जानेंगे। अंतिम समय में हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर का प्रेम आप में है मेरी बहन, तो प्रेम आपके अंदर वो दृढ़ता और वो शक्ति पैदा करेगा कि आपके अंदर स्वार्थ ना आए, आपके अंदर लालच नहीं आए, आपके अंदर दीनता बनी रहे, आप माँ बाप की सेवा करें। और सिर्फ अपने माँ बाप की सेवा ही ना करें, अगर आपका पड़ोस में कोई माँ है, कोई बहन है, कोई औरत है जो बूढ़ी है, वो यीशु मसीह को नहीं जानती, ना सही, आप जाइए और सेवा करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है प्रेम, ये है प्रेम। यूहन्ना 3:16 क्या कहा? उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। यूहन्ना 3:16, क्योंकि जगत से प्रेम किया उसने, सिर्फ मुझसे और आपसे नहीं किया, उसने संसार से प्रेम किया उसने, और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। यानी कि उसका प्रेम किसके लिए है? सबके लिए। वो जो भाई आवाज सुन रहा है उसके लिए भी है, जो यहां से गुजर रहा है उसके लिए भी है, लेकिन उस प्रेम का वो लोग फायदा नहीं उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। मेरे भाई, प्रभु आने वाला है, हमें दीनता के साथ और अपने अंदर प्रभु का प्रेम बनाए रखना है। अगर हम चाहते हैं कि हम बने रहें, हेलो, आप सोचते हैं मैं अपने प्रेम से सामने वाले को सपोर्ट करूं, वो तो कर नहीं रही मुझे सपोर्ट। नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। आप जब प्रेम करेंगे, आप उसके बाड़े में आ जाएंगे। आप अपना प्रेम बनाए रखें, कोई करे ना करे, कोई आपको इग्नोर करता करे, आप प्यार करिए। क्योंकि जब आप प्रेम करेंगे तो परमेश्वर का सामर्थ, उसकी शक्ति, उसको आप महसूस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम में है। परमेश्वर प्रेम है, और जो परमेश्वर जो प्रेम में बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, बना रहता है। यानी कि आप अगर प्रेम में बने हैं तो परमेश्वर आप में बना है। इसलिए प्रेम करिए एक दूसरे से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है।